Hi guys, welcome to my channel. So this is gonna be an evening study vlog. So firstly I'm gonna do setup for studying. So firstly I was doing what कि मैं अपना लैम्प कनेक्ट करी थी पावर बैंक के साथ. एंड गाइज एज यू नो कि मैं इंग्लिश में वीडियोज़ बनाया करती थी, बट अब जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करना चाहती हूँ. एज यू ऑलरेडी नो गाइज कि दिस इज़ इंडिया, एंड इंडिया में जो है ना हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं एंड वो हिंदी में ही वीडियोज़ देखना पसंद करता है. सो कंसिडरिंग दैट आई एम गोना यूज़ बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस. एंड देन ऑल्सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन कमेंट मी डाउन फॉर श्योर. एंड अब मेरा सेटअप हो ही गया था तो अब मैं पढ़ने बैठ गई. सो फर्स्टली आई डिड वर्क कि मैंने ना अपनी सारी बुक्स गैदर कर ली जो मेरे को आज मतलब इवनिंग में पढ़नी थी, एंड फिर एक एक करके मैं जो है उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो हियर द फर्स्ट सब्जेक्ट फ्रॉम विच आई स्टार्टेड इज फिजिक्स. सो मैं ना सुबह तो लिख लेती हूँ कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के, एंड अब देखो इवनिंग हो गया सो इवनिंग में मैं उनको सॉल्व करती हूँ. बट यू नो व्हाट गाइस कि मेरे से सारे सॉल्व नहीं होते और मेरे को फिर इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है इनको सॉल्व करने के लिए. बट दैट्स इवन फार मोर बेटर देन नॉट इवन ट्राइंग. और यस मैं ये रोज़ नहीं सॉल्व करती, कभी कभी कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है. क्योंकि क्या है ना कि मेरे को थ्योरी तो अब अच्छी लगने लग गई है फिजिक्स की, पहले तो मेरे को थ्योरी भी नहीं अच्छी लगती थी, बट अब न्यूमेरिकल्स में मेरे को फिर भी थोड़ी सी डाउट रहता है. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू स्किप दिस न्यूमेरिकल्स बिकॉज दिस न्यूमेरिकल्स विल कम इन एग्जाम्स. सो आई एम डूइंग प्रैक्टिस नाउ, बट हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जो मेरे से सॉल्व ना हुआ हो. बट यार कुछ तो लिखूंगी, अब प्रैक्टिस कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा मेरे, लाइक कुछ तो मार्क्स मिलेंगे. लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग राइट. एंड लाइक इलेवंथ के मार्क्स डजेंट मैटर, लाइक इलेवंथ एक बेसिक है एंड आपको जो उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. बट ये भी नहीं है कि पूरा दिन इंजॉय करो एंड कुछ भी ना पढ़ो, ये तो बहुत गलत बात हो गई. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट जस्ट कीप ट्राइंग एंड ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर बाई इम्प्रूविंग योर सेल्फ. एंड येस गाइज दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. तो आप जो है ना अपनी इलेवेंथ को लाइटली भी मत लेना और ज़्यादा सीरियस भी मत लेना. सीरियस का मतलब ये है कि मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, ये ऐसा मत कुछ करना. एंड या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो फिजिक्स का जो भी मैंने आज मतलब अपनी मेडिकल्स लिखे थे वो सारे सॉल्व हो गए थे. एंड नाउ आई स्टार्टेड अप विद केमिस्ट्री, नॉट दैट मच बट आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व रिडॉक्स रिएक्शंस क्वेश्चंस. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन के जो है ना इस बुक में दे रखे हैं और मुझसे इतने सारे सॉल्व नहीं होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू टेक एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल. लाइक मेरे 4-5 डेज में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इस टाइम इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी करनी है एंड एनसीईआरटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात आती है सो आई विल डू दैट आफ्टर माई एग्जाम्स, बिकॉज एक प्रॉपर प्लान होता है. लाइक मैं एक साथ बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो नहीं कर सकती, सो एक पर्टिकुलर रिसोर्स होना चाहिए. सो इसी वजह से मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट लिया. एनसीईआरटी तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद सिर्फ एक एक बुक एक्स्ट्रा लिया. और जो मैंने एक्स्ट्रा बुक्स ली भी है ना वो मैं इतनी अच्छे से फॉलो नहीं करती हूँ. और केमिस्ट्री की तो मैंने ली ही नहीं, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है मेरे पास. और मैथ्स की आरडी सॉल्व होनी नहीं है एज यू ऑलरेडी नो, उसकी तो बस शो पीस के लिए है ना मैथ्स की. बट एनीवेज गाइस नो प्रॉब्लम, मैं जो है ना आरडी शर्मा को ना 11th के बाद सॉल्व करूँगी. सो गाइस जोक्स अपार्ट, फर्स्टली लेट्स फोकस ऑन आर स्टडीज. सो हेयर इन दिस क्लिप आई वॉज सॉल्विंग सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसे कि बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, तो बेसिक से थे. बट इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ना मेरे को बैलेंसिंग थोड़ी सी हार्ड लगती है. बट ये भी नहीं है कि मैं क्वेश्चंस को छोड़ के आऊँगी, कुछ ना कुछ तो लिख ही आऊँगी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस में. एंड येस गाइज यू रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो, मन तो नहीं करा बट चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग.